बिहार के कटिहार में भीषण आग का कहर दिखा, जहां पर एक ही परिवार के दो घर आग में जलकर राख हो गए। घर से उठ रही आग की ऊंची लपटों से अफरा तफरी यहां पर मच गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया ये गया कि परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे, इस दौरान घर में आग लगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2023 में शनि की पावर होगी डबल। 30 साल बाद कुंभ से शनि का छल। बढ़ेगा दुनिया में जंग का बवाल। चीन पर होंगी शनि की आंखें लाल। कैसा रहेगा देश दुनिया का हाल, बताएंगे देश के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य। देखिए शनि वॉर 3.0 सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। इसराइल का कहना है कि इस मिलिट्री ड्रिल की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ड्रिल से ठीक पहले नेतन्याहू इसराइल के उत्तरी हिस्से के दौरे पर चले गए, जहां नेतन्याहू ने अपनी सेना और मिलिट्री ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। और ईरान और लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्ला को उनकी हद याद दिलाई, क्योंकि नेतन्याहू ने बयान दिया कि जिन लोगों को रेड लाइन याद नहीं, उन्हें हमारे सैन्य अभ्यास से वो याद आ जाएगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया से लगी इसराइल की सीमा पर उनकी नजर है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान वहां से इसराइल में घुसपैठ की कोशिश करेगा और इसराइल ऐसा नहीं होने देगा। एक बार फिर से इसराइल की सत्ता संभालने वाले नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को भी बता दिया कि इसराइल उससे लड़ने के लिए तैयार है। वैसे इसराइल और लेबनान अब भी जंग लड़ रहे हैं और हिजबुल्ला ने सीमा पर करीब 1.5 लाख मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे खतरनाक हथियार तैनात किए हुए हैं, जिनसे निपटने के लिए इसराइल अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। उसकी सीरिया पर भी नजर है। इसराइल कहता है कि हिजबुल्ला तक हथियार सीरिया के रास्ते आते हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने सीरिया की सरकार की मदद के बहाने वहां कई ठिकाने बना रखे हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करके वो इसराइल को परेशान करने वाले हिजबुल्ला तक हथियार पहुंचाता है और इसी वजह से इसराइल सीरिया पर हवाई हमले करता रहता है। हालांकि उसने केवल इक्का दुक्का एयर स्ट्राइक करने की बात ही कबूल की है, लेकिन ईरान ने दावा किया कि इसराइल ने पिछले कुछ सालों में सीरिया में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की और हर बार उसके निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने थे। खबर है कि इसराइल के हवाई हमलों से निपटने के लिए ईरान ने सीरिया में बड़ी तैयारी की है और वो वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला है, जो इसराइल की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा देगा। हालांकि ईरान ने अब तक इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने सीरिया में बवार 373 मिसाइलें तैनात करने की तैयारी कर ली है। 300 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार कर सकती हैं और पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी धूल चटा सकती हैं। यानी ईरान की बवार 373 मिसाइलों से इसराइल का F-35 विमान बर्बाद हो सकता है और इसी वजह से इसराइल अलर्ट पर है। उत्तरी इलाके में ड्रिल करके उसने ईरान को ये बताने की कोशिश की कि वो तैयार है और अगर ईरान अपनी हद भूला तो उसकी खैर नहीं।